वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव सिटी। सो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे उन महान वैज्ञानिकों में से एक जिन्होंने हमें आज की दुनिया से रूबरू कराया। आज हम बात करेंगे चार्ल्स डार्विन की बायोग्राफी यानी कि जीवनी के बारे में। पहले हम आपको चार्ल्स डार्विन के बारे में बता देते हैं कि आखिरकार उन्हें इतने प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में क्यों गिना जाता है। तो चार्ल्स डार्विन ने हमें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जैसी कई थ्योरी दी है। अगर एक लाइन में बताऊँ तो उन्होंने जीव उत्पत्ति कैसे हुई होगी इसके बारे में बताया है। तो आइए चलते हैं उनकी जीवनी को जानने, जिसने हमें ये बताया कि हमारी उत्पत्ति बंदरों की प्रजाति से हुई है। चार्ल्स डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को दी माउंट हाउस यूनाइटेड किंगडम में सूजबरी में हुआ था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन अपने माता पिता की 6 संतानों में से 5वीं संतान थे। उनकी माँ का नाम सुसनेहा डार्विन था। उनकी रिसर्च 1831 से 1836 तक HMS बीगल एक ब्रिगेडियर नाव पर हुई थी। उसके बाद वह अपने बड़े भाई जेम्स के साथ रहते थे और एंग्लिकन सूजबरी स्कूल में पढ़ते थे। 1825 में वह एडिनबर्ग मेडिकल स्कूल में जाने लगे, लेकिन उस मेडिकल स्कूल में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने उस मेडिकल स्कूल को छोड़ दिया। और फिर 40 घंटों के लिए लंबे सेशन में उन्होंने जॉन एडमस्टोन से चर्म प्रसाधन सीखा। यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में उन्होंने प्लिनियन सोसाइटी जाना शुरू किया, जहां प्रकृति के इतिहास के बारे में विद्यार्थी इकट्ठा होकर प्रकृति के इतिहास पर चर्चा करते थे। डार्विन हमेशा ही प्रकृति के बारे में जानने की कोशिश करते थे। उनके पिता ने कैम्ब्रिज के ट्रिस्ट कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजा तो वह क्लास छोड़कर पेड़ पौधों की जानकारी प्राप्त करने लगते थे। बॉटनी के प्रोफेसर जॉन स्टीवन से उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और उनके साथ उन्होंने प्रकृति विज्ञान के कुछ वैज्ञानिकों से भी मुलाकात करी। 1831 में प्रकृति विज्ञान की सिंपल आखिरी परीक्षा में वो 178 विद्यार्थियों में से 10वें नंबर पर आए थे। 1831 से 1836 तक HMS बीगल नाव पर उन्होंने दुनिया घूमकर अपनी रिसर्च पूरी करी। इस समुद्री यात्रा को वह अपने जीवन की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना मानते थे, क्योंकि इसी समुद्री यात्रा से उनके प्रकाशनों और उनके नमूने उपयोग करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिकों से उन्हें लंदन के वैज्ञानिक सोसाइटी में प्रवेश मिला था। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में मानव विकास का वर्णन भी किया था। समुद्र से डरने वाले और आलिशान मकान में रहने वाले चार्ल्स डार्विन ने 5 सालों की समुद्री यात्रा की और एक छोटे से केबिन के आधे भाग में गुजारा किया। वहाँ पत्तियाँ, लकड़ियाँ, हड्डियाँ, कीड़े, पत्थर आदि चीज़ों को इकट्ठा कर रिसर्च करते थे, जबकि उस वक्त फोटोग्राफी की भी सुविधा नहीं थी। उन्हें सारे नमूनों पर लेबल लगाकर इंग्लैंड भेजना होता था। चार्ल्स डार्विन को समुद्र से डर लगता था, फिर भी वहाँ 5 साल की समुद्री यात्रा में गए। 5 साल का समुद्री सफ़र उनके लिए महत्वपूर्ण तो था ही, साथ ही में रोमांचक भी था, क्योंकि वह अलग अलग जगह पर जाते थे और ज़्यादातर जानवरों का स्वभाव समझने की कोशिश करते थे। चार्ल्स डार्विन को प्रकृति में इतनी रुचि थी कि उन्हें समुद्र का डर का भी डर नहीं था। उनके लिए प्रकृति को समझना ही उनका जीवन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।